नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मसूरी में समाज सेवी मनीष कोनियाल द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। पिक्चर पैलेस, लाइब्रेरी, लंढौर बाजार, बड़लोगंज, झड़ी, पानी क्षेत्र के लगभग 250 लोगों को आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल वितरित की गई। पंडित मनीष गोनियाल ने बताया कि क्षेत्र में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों का रोजगार समाप्त हो चुका है और मसूरी विधानसभा की जनता के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाए ताकि कोई भी परिवार भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि जनता सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, लेकिन सरकार इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर रही और आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, जबकि संकट की घड़ी में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए लोगों को सामने आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन आज संकट के समय कोई भी नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यदि आज चुनाव करवा दिए जाएं तो नेताओं की तिजोरी के ताले खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो आगे भी लगातार जनता की सेवा करते रहेंगे और जरूरतमंदों को हर संभव मदद का प्रयास लगातार करेंगे। लगातार बारिश का कहर जारी है और कहर आज पौड़ी कोटद्वार के बीच स्थित सतपुली कस्बे में नजर आया, जहां एकदम से तेज बारिश हो गई और तेज बारिश के कारण घर और दुकानों में पानी घुस गया, कीचड़ और मलबा घुस गया। आने वाले कुछ दिनों में भी इस तरह का मौसम बने रहने के कारण बताए जा रहे हैं और नदी नाले उफान पर हो सकते हैं, जिसको लेकर लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी लगातार दी जा रही है। कोरोना महामारी के बीच बिंदु खत्ता शहीद स्मारक के समीप मिली सैकड़ों की संख्या में मृत मुर्गियां। शहीद स्मारक के समीप वन निगम डिपो संख्या 1 और डिपो संख्या 2 के पास सैकड़ों की संख्या में मृत मुर्गियां मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारी के फैलने की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। कोविड-19 के मरीजों को सहूलियत देने के लिए IDPL में DRDO के द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के अस्पताल का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अब तक की तैयारियों के बारे में DRDO के अधिकारियों से फीडबैक भी मांगा। मौके पर DRDO के अधिकारियों ने दावा किया है कि 4 से 5 दिन में स्ट्रक्चर तैयार कर सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि स्ट्रक्चर तैयार मिलते ही मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराकर कोविड-19 के मरीजों को राहत देने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। बताया कि 70% काम लगभग स्ट्रक्चर का पूरा हो चुका है। बिजली, सड़क, सीवर, पेयजल आदि की मुकम्मल व्यवस्थाएं करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। उन्होंने जल्द से जल्द अस्पताल को तैयार करने की मेहनत लगातार DRDO के अधिकारियों की दिख रही है और इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई है। कोविड-19 के कहर से बचने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई परिवारों के सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में जरूरतमंदों के द्वारा मदद की गुहार लगाने पर पुलिस ने सामाजिक संस्था के सहयोग से 25 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया, जिससे कि कोई भी शहर में भूखा ना सो सके। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली कॉल से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने का फिर से आह्वान किया है। वहीं सामाजिक संस्था ने जरूरत पड़ने पर फिर से मदद का आश्वासन देकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही है। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।